नमस्कार आपका। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एनीकास्ट की मदद से किस तरह से आप अपने मोबाइल के किसी भी वीडियो को अपने किसी भी डब्बा टीवी और एलईडी टीवी में किस तरह से कास्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा एनीकास्ट और हम इसे HDMI पोर्ट में किस तरह से प्लग इन करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से यह देख लीजिए, मैंने इसके अंदर लगा दिया और इसको 5 वोल्ट देना पड़ता है दोस्तों। तो इधर मैं या तो आप चार्जर द्वारा कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने USB द्वारा कर सकते हैं। ये रहा आपका वाईफाई, ये दोस्तों ये वाईफाई है, इसके द्वारा जो है आपको कास्ट करना होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह देख लीजिए दोस्तों, आपको अपना वाईफाई चालू कर लेना है। यह देख लीजिए, मैंने वाईफाई चालू कर रखा है पहले से। अब जा रहे हैं हम सेटिंग में, यह देख लीजिए सेटिंग में चले गए दोस्तों। और आपको इसमें मोर में जाना है और मोर में नीचे आप जाएंगे तो वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा। रेडमी का आपके पास मोबाइल है तो ये एनीकास्ट दिखा दिया। अब इस एनीकास्ट पर हम क्लिक करेंगे, यह देख लीजिए मैंने क्लिक कर दिया है और अभी कनेक्टिंग होने को बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करना और बता देते हैं आपको, एक और काम करना भूल गए। तो ये करना है ये कि मैंने पहले से इसे ऑडियो वीडियो पर कर रखा था आपने LCD को, तो आपको क्या करना है HDMI पर कर लेना है। तो मेरे पास इसका रिमोट गुम हो गया है तो मैंने रिमोट डाउनलोड कर रखा है। तो यह देख लीजिए, यह अभी AV पर मैं करके रखा हूँ दोस्तों, ऑडियो वीडियो पर। अब आपको करना है HDMI पोर्ट पे, तो पोर्ट 1 या पोर्ट 2, तो मैं पोर्ट 1 पे करके रखा हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए 2 आ गया, नहीं है इसमें, लेकिन मैं 1 पे करके रखा हूँ तो अभी मैं 1 पे ले जाऊँगा। तो आप देख लीजिए, मैं फिर से इसे HDMI 1 पे करता हूँ। तो HDMI 1 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यह दिखाएगा, यह अब यह कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ पहले ही कर दिया था उस मोबाइल में, तो इसलिए यह जो है तुरंत जैसे ही मैंने HDMI पर किया वैसे ही यह तुरंत ले लिया। आपको पहले से ही HDMI पर करके रखना है। तो यह देख लीजिए, हमारा मोबाइल LCD के साथ कनेक्ट हो चुका है और जैसे जैसे हम इसे मूव करेंगे ऐसे ऐसे मूव होता जाएगा। ये देख लीजिए, इधर का उधर, उधर का इधर, कोई भी वीडियो, कोई भी इंटरनेट हम चलाएंगे तो इंटरनेट चलेगा। यह देख लीजिए, कोई भी वीडियो प्ले करेंगे अपने मेमोरी कार्ड से, अपने किसी भी फंक्शन में जाएंगे, वैसे जैसे जैसे हम इसे प्ले करेंगे वैसे वैसे वहाँ भी वहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने किसी भी वीडियो को या और किसी भी इंटरनेट को या ऑडियो को, कोई भी चीज़ हो, फोटो हो, कुछ भी हो, पूरा मोबाइल ही आपके LCD पे चला जाएगा। आप चाहें तो गेम भी खेल सकते हैं, आप चाहें तो म्यूजिक सुन सकते हैं, देख सकते हैं और फोटो भी देख सकते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो भी देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कास्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। और अगर आपका जो LED टीवी है वो स्मार्ट टीवी नहीं है तो इसमें ये इस तरह से काम करेगा। अब अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसके अंदर वो सेट रहता है पहले से एनीकास्ट। तो यह देख लीजिए, मैं एक फिल्म जो है मैं प्ले कर दिया हूँ दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसके लिए मैं तो अपना मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। साइड साइड से आप देख सकते हैं कि यह जो है किस तरह से जो चीज़ इसके अंदर दिखा रहा है थोड़ा सा वही चीज़ उसमें भी दिखाएगा, बहुत हल्का सा लेक करेगा, बहुत हल्का सा जरा सा लेक करेगा। अगर आपका फोन दूसरा कोई है दोस्तों, उसका नाम मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, तो उसमें जरा भी लेक नहीं होगा दोस्तों। वायरलेसली आप कनेक्ट करेंगे, 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर बैठ करके आप अच्छी तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो चीज़ अपने मोबाइल में देखेंगे वही आपके LCD में दिखाई देगा। तो थैंक यू दोस्तों।